Good morning, students. Here we are on lecture number 5. Alcohols, phenols, and ethers. Lecture number 5. It is chemical properties of phenols. ठीक है. So phenols के proper nomenclature हम पहले discuss कर चुके हैं. Now we are on the third part of this chapter, the most important part, that is reaction of phenols. Right? In this the last lecture we had discussed about the chemical properties or reactions of alcohols, and before that lecture we had discussed about acidic properties of alcohols and phenols. Now in this lecture we are going to discuss about reactions of phenols, right? First important reaction of phenol: due to the presence of benzene ring and OH is a activating group. OH is an activating group. I mentioned many time what is activating group. Those enhanced electron density on the ring are known as activating group. So OH, what OH will do? OH क्या करता है? अपने pair of electron को ring की तरफ transfer करता है यहाँ पे. So in that condition what will happen? ये bond इधर shift हो जाएगा. सो रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा. सो डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, ये दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, लेकिन मैं एक बार फिर से इसीलिए बना रहा हूँ. सो ऑब्वियसली ओ एच क्या करता है? रिंग को एक्टिवेट कर देता है. और एक्टिवेशन कहाँ होता है? यू कैन सी माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पोजिशन पे होगा या पैरा पोजिशन पे होगा. इस नेचर को इसका प्लस एम नेचर भी कहते हैं. माइनस आई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से होता है, इसलिए प्लस एम और माइनस आई नेचर इसका होता है. एंड इट एनहेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज. एंड आल्सो रिंग पर कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे. तो इट मीन्स कि अगर फिनॉल किसी इन प्रेजेंस ऑफ ओ एच, इन द प्रेजेंस ऑफ ओ एच ग्रुप, अगर रिंग पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ने की कोशिश करता है तो वो तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, राइट. एंड ओएच इज वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप, वेरी वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप इट इज, है ना. सो रिमेंबर इट इज. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन. जनरली फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग वी रिक्वायर्ड concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, and in those in the mixture of those NO2 plus will form, and in NO2 plus will attack over the ring and nitro compounds formed. But in presence of phenol, because phenol is highly OH is highly activating group, it activates so much benzene ring that dilute nitric acid will produce NO2 plus, and that NO2 plus will be bonded with ring at ortho and para position. At ortho position it is called ortho nitrophenol, and at para position it is called para nitrophenol. Ortho nitrophenol का जो boiling point होता है काफी कम होता है. ऐसा इसलिए होता है because OH और NO2 you can see intramolecular hydrogen bonding देखने को मिलती है, जबकि meta nitrophenol या para nitrophenol में intermolecular hydrogen bonding मिलती है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, बट इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं. सो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसीलिए उसे स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल या मेटा नाइट्रोफिनॉल में ऐसी कंडीशन नहीं होती, उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. एंड रिमेंबर दिस इज द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. Remember this, and this is also the reason we had discussed the acidic strength of ortho nitrophenol slightly less than para nitrophenol, because hydrogen is stuck over in intramolecular hydrogen bonding.
सो डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में NO2 जुड़ता है, बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो ज्यादा से ज्यादा NO2 प्लस प्रोड्यूस होते हैं और ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ज्यादा से ज्यादा NO2 प्लस बनते हैं और ज्यादा से ज्यादा NO2 जो है NO2 प्लस जो है नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं। सो द यील्ड इज इंक्रीज, द फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस इज हायर एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ OH 3NO2 विल बी बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग एंड ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमें देखने को मिलता है। इस कंडीशन में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़िया नहीं मिलता, लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड और यूज़ कर रहे हैं जो कि जनरली रिंग के ऊपर जो हम नाइट्रेशन के लिए यूज़ करते थे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उस कंडीशन में ट्राइनाइट्रोफिनॉल का जो यील्ड होता है वो काफ़ी बेहतर मिलता है। नॉर्मली बनता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे ही अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लिया तो इन दैट केस द यील्ड विल बी वेरी वेरी हाई, राइट। सो रिमेंबर इट इज अगेन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सेकेंड इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड हैलोजनेशन। इन दिस रिएक्शन अगर आपने Br2 को CS2 एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं अगर उनकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराया है तो उस कंडीशंस में एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो व्हाट विल हैपन, एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो ऑर्थो और मेटा नाइट्रोफिनॉल्स बनते हैं, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। इन दैट केस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर आई शेयर्ड विद यू ऑल्सो कि जो है वो व्हेनेवर हैलोजन रिएक्ट विद बेंजीन रिंग शायद आपको याद होगा एफ ई बी आर थ्री या एफ ई सी एल थ्री लेते हैं, बट इस केस में जब हम बात करते हैं फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल के साथ जब ये हैलोजनेशन किया जाता है तो बिकॉज ओ एच इज सो एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली एफ ई सी एल थ्री एफ ई बी आर थ्री तब लिया जाता है, इट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट बी आर टू इंटू बी आर टू क्या रोल होता है एफ ई सी एल थ्री का दैट वी हैड डिस्कस्ड मैनी टाइम। इसमें क्या होता है ये टू बी आर है तो इसमें क्या होता है एक बी आर के पास लोन पेयर इट गिव टू आयरन एंड इन दैट केस ये बी आर प्लस हो जाएगा दैट विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर, सो वॉट वी वुड गेट बी आर प्लस एंड बी आर अगर एफ ई सी एल थ्री है तो एफ ई सी एल थ्री बी आर माइनस विल गेट, राइट। सो बी आर प्लस बन जाता है। सो ऑब्वियसली द एफ ई सी एल थ्री इज यूज एज अ लिविस एसिड एंड द पार्ट ऑफ एफ ई सी एल थ्री इन दिस रिएक्शन इज द रोल ऑफ एफ ई सी एल थ्री इन दिस रिएक्शन टू पॉलराइज बी आर बॉन्ड, राइट। बट इन केस ऑफ जब हम बात करते हैं फिनॉल्स की, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ओ एच ग्रुप बी आर टू जो है वो खुद ही वैसे ही पॉलराइज हो जाता है तो ओ एच इन सी एस टू हम लेते हैं एंड विल कन्वर्ट इन टू पॉलराइज हो जाता है और बी आर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है या बी आर प्लस पार्ट जो है वो जनरेट हो जाता है, विल अटैक ओवर ऑर्थो पोजिशन और विल अटैक ओवर मेटा पोजिशन, इजंट इट, इज इट क्लियर टू यू नाउ, ओके। तो जब हम ए प्रोटिक के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तब ये सिचुएशन बनती है, लेकिन जब हम इसका सेम रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट में कराते हैं, यू कैन सी जब हम इसका रिएक्शन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, जब फिनॉल का रिएक्शन हम किससे कराते हैं ब्रोमीन वाटर, इट मीन्स बी आर टू प्लस एच टू, जब फिनॉल का रिएक्शन बी आर टू प्लस एच टू ओ की प्रेजेंस में होता है तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बी आर प्लस का देखने को मिलता है। वाई इज इट सो, अगर हम बहुत सिंपल समझने की कोशिश करते हैं, सो बी आर टू और एच टू ओ का रिएक्शन अगर आप याद करें सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट, इट विल लाइक एच बी आर प्लस एच ओ बी आर एंड इन दिस केस इट विल कन्वर्ट एज एच ओ प्लस एच ओ माइनस एंड बी आर प्लस, सो ह्यूज नंबर ऑफ बी आर प्लस वी गेट, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर प्लस वी गेट एंड इन दैट केस ऑल द पॉसिबल पोजिशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर विल बी ऑक्यूपाइड बाय ब्रोमीन, सो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इस रिएक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। बोथ द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आपको याद आ रहा होगा कि हम फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन भी देखने वाले हैं, बट द पॉइंट इज फिनॉल्स कैन नॉट गिव
फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाई इज इट सो? सो इट इज हैपेंस बिकॉज अगर आप फिनॉल का आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में देखें तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में CH3CL या CH3COCl का रिएक्शन किसी लुविस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, बट फिनॉल OH जो है वो, अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थोड़ा भी याद हो तो शायद आपको याद होगा कि हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में किसी भी बेंजीन रिंग का रिएक्शन या ऐसा कोई कंपाउंड होता है, जैसे आपने हेलो बेंजीन रिसेंटली देखा हुआ है, तो CH3Cl या CH3COCl का रिएक्शन AlCl3 की जगह कराते हैं। वैसे AlCl3 सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसकी जगह FeCl3, H+ या कोई भी लुविस एसिड ले सकते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन फिनॉल के साथ आती है तो रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है, देखिए AlCl3 का यहाँ रोल ये होता है कि इट विल कलेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl एंड CH3+ आपको मिलना चाहिए। जनरली क्या होता है उस रिएक्शन में, वी हैड डिस्कस्ड दिस मैकेनिज्म क्लास 11th ऑल्सो, और एक दो बार मैंने लास्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस किया है। तो Cl विल गिव इलेक्ट्रॉन टू Al, सो ऑब्वियसली Cl इज बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर एंड CH3 विल बी पॉजिटिवली चार्ज। इन दैट केस इट विल अटैक ओवर द रिंग, दिस इज द रिएक्शन। बट यहाँ क्या होता है, लोन पेयर विल अटैक ऑन द एल्यूमिनियम। जो Cl है ये एल्यूमिनियम पे अटैक करे, उससे पहले ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, और उस कंडीशंस में, क्योंकि एल्यूमिनियम एक रिलेटिवली बेहतर आयनिक कंपाउंड भी है, डी ब्लॉक भी काफी अवेलेबल है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज़्यादा है, लेकिन बहुत छोटा साइज होता है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, सो इट विल विद अ वेरी फास्ट प्रोसेस शेयर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद एल्यूमिनियम और एनी लुविस एसिड वी यूज इन दिस रिएक्शन, एंड दैट्स वाई फिनॉल्स कैन नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। रिमेंबर दिस, राइट? सो दीज आर द सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो हम बात कर रहे थे। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमने देखा नाइट्रेशन। जनरली हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हम देखते हैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन वैसे ही होगा, SO3H, तीन SO3H जुड़ सकते हैं, 1 SO3H भी हो सकता है, डाइल्यूट के साथ 1 SO3H जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, कॉन्सेंट्रेट के साथ 3 SO3H जुड़ सकते हैं। बट SO3H के साथ क्या होता है कि अगर आपने जो है वो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है, आसानी से SO3H बाहर निकल सकता है। दूसरा सेकेंड हमने देखा दैट इज हैलोजिनेशन। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही हम पढ़ते हैं अगर हम नॉर्मली बेंजीन रिंग के रिएक्शंस की बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में। ओके, नाउ द थर्ड रिएक्शन इज कोलवेज रिएक्शन। अगेन इट इज अ न्यू टाइप ऑफ कोलवेज रिएक्शन, इट इज विथ फिनॉल। एक और कोलवे रिएक्शन देखा है दैट इज विद हेलो बेंजीन और क्लोरो बेंजीन जो कन्वर्ट करता है उसे फिनॉल में। It is again a different type of Kolbe's reaction, and in this reaction you can see what will happen. The phenoxide ion, actually what will happen, the NaOH or OH both can react. ये मैं पहले ही आपसे share कर चुका हूँ, so phenoxide ion बन जाएगा। Now you know very well कि in as compared to phenol, जो ONa है O के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये चार्ज बहुत तेजी से रिंग के साथ शेयर करता है, और इसीलिए ये बेहतर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है, और इसीलिए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से जोड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, ONa बन गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी। यू कैन सी इन दिस मैकेनिज्म, पहले ये O- बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन सी आप समझ सकते हैं इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये माइनस चार्ज, दिस माइनस विल अटैक ओवर कार्बन। ओके, सो दिस कंपाउंड विल फॉर्म H, जो एसिडिक कंडीशन हमने लिया है वहां से हाइड्रोजन आयन इट विल टेक एंड कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड OH, एंड आफ्टरवर्ड्स ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन आयन लेगा एंड यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा टू अगेन गेन एरोमेटिसिटी, जैसा कि हमेशा होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेड नहीं है, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑब्वियसली हमेशा रहेगा, येस और नो,
वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमेशा रहेगा और अल्टीमेटली ये इट विल कन्वर्ट इनटू OH और ये बॉन्ड यहाँ पर, ये हाइड्रोजन हम ऐसा भी कह सकते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। बाकी आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन बिकॉज इफ इट इज एच प्लस, ये बेहतर लिखा होना चाहिए एच प्लस और एच टू डाइल्यूट एसिड होता है, सो इट विल गिव हाइड्रोजन टू दिस, सो OH इन दैट केस दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर एंड टू गेट एरोमेटिसिटी इट विल गिव दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हेयर। सो द रीजन फॉर दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल, क्यों होता है ये प्रोसेस, इसलिए होता है क्योंकि एरोमेटिक, यहाँ के बाद ये प्रोसेस कैसे होता है क्योंकि एरोमेटिसिटी गेन कर सके। सो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर, सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल लूज दिस बॉन्ड, दैट रिंग विल टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर। सो दिस इज द मैकेनिज्म, द कोलवेज रिएक्शन इट इज, अगेन इट इज अ लाइक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ओके, सो दिस इज कोलवेज रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्री टू फाइव मार्क्स के नेम रिएक्शन हमेशा आते हैं, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए आपको मिल जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रीमर-टीमान रिएक्शन। रीमर-टीमान रिएक्शन इज अगेन द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एक्वस हेयर, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ एक्वस होता है, आई एम सॉरी आई हैड नॉट रिटन हेयर ओवर देयर। सो वॉट प्रोडक्ट विल फॉर्म OH, दिस कंपाउंड इज नोन एज, वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आई शेयर्ड द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड, राइट। सो जब इसका एल्डिहाइड बनता है दैट इज सैलिसाइल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड। ओके, नाउ ये प्रोसेस कैसे होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टेप वन होता है, स्टेप वन में अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेप वन में जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा दिस इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन, मैंने इसे लिख दिया था, बाद में मुझे याद आया, बाद में मुझे लगा कि मैं एक स्टेप और दे सकता या और एक्सप्लेन कर सकता था। तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपने बीटा एलिमिनेशन सुना हुआ है लेकिन अल्फा एलिमिनेशन भी देखने को मिलता है यहाँ एच, ये कंडीशन होती है CsCl3 की। OH माइनस जो यहाँ होता है बेस होता है एंड विल पुल दिस हाइड्रोजन, और इस कंडीशन में इसके ऊपर एक लोन पेयर यहाँ आ जाता है और ऐसी सिचुएशन में Cl विल आल्सो कमिंग आउट। सो व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, CCl2 जिसके पास एक लोन पेयर होता है, इसे कार्बीन कहते हैं, इस तरह के कार्बन को कार्बीन कहते हैं जिसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसे कार्बीन कहते हैं। एक ही कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक ही कार्बन से क्लोरीन, इसीलिए अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन भी किसे कहा जाता है। H2O प्लस KCl जो कि यहाँ पर K था वो बन जाता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीटली हमें देखने को मिलती है, दिस इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन, राइट। इसके बाद नथिंग, ये CCl2 एक लोन पेयर है, CCl2 है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट एक्ट एज अ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, सो दिस बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लोन पेयर एज इट इज है, यू कैन सी ये कार्बन का जो एक ऑर्बिटल खाली है वहाँ ये बॉन्ड जाकर उसे इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ से वो जुड़ जाएगा, यानी ऑब्वियसली यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस वाले से CCl2 जुड़ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर पूरा कॉन्जुगेशन होगा और कॉन्जुगेशन के बाद फिर से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन लूज होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, एक ही मॉलिक्यूल में एक जगह से हाइड्रोजन निकला दूसरे जगह पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये बन जाएगा CHCl2 एंड आफ्टरवर्ड CHCl2 का KOH एक्वस से हाइड्रोलाइसिस SN2 मैकेनिज्म, दोनों OH उड़ जाएंगे एंड आई हैड मैं कई बार आपको बताया है कि इस कंडीशन से जब दो OH जुड़े होते हैं तो एक H2O बाहर निकल जाता है, एंड इन लास्ट लेक्चर आई हैड आल्सो डिस्कस्ड व्हाई इट इज सो, बिकॉज ड्यू टू द हायर स्टेबिलिटी ऑफ C(O), ये ड्राइविंग फोर्स मिल जाता है एंड विन कन्वर्टेड टू OH एंड CHO, एंड इन दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट,
सो यू कैन ऑलवेज सी, अदरवाइज जनरली अगर हमें एक प्रोडक्ट बताना होता है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं कि पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, बट जहाँ जहाँ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऐसी कंडीशंस में ऑर्थो प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं या होते हैं. ओके, सो दिस इज रिमर टीमान रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज, अगेन अ नेम्ड रिएक्शन इट इज. ओके, नाउ द लास्ट वन इज लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स. जनरली फिनॉल्स आर कलरलेस, बट अगर इन्हें एयर में एक्सपोज किया जाता है तो येलोइश कलर के क्विनोन्स बनाते हैं. चाहे कोई भी फिनॉल लें या आप एक से ज़्यादा ओए, जैसे ये हाइड्रोक्विनोन है, सिंपली फिनॉल भी होता, यू कैन सी सिंप इन दिस नॉट आई हैड नॉट गिवन इन दिस एग्जांपल, बट सिंपली फिनॉल भी होता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंपली फिनॉल भी होता तो इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू क्विनोन. अगर एक फिनॉल भी होता, ये तो जो है वो नाम आपने देखा है, ये जो है वो बेंजोक्विनोन, जो हाइड्रोक्विनोन है और बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. बाकी अगर कोई भी फिनॉल होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोक्विनोन लाइक, ऑक्सीडेशन हो जाता है. कैसे ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहां से बॉन्ड इधर आया राइट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां माइनस, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट इधर माइनस, और इस माइनस पर एयर से या जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. सिंपली कोई भी फिनॉल, सिंपली एक OH भी होता, मैं वही बताने जा रहा था, एक OH भी होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोफिनॉल, और दो OH हैं तो ऑब्वियसली कन्वर्ट होंगे ही होंगे. ओके, सो ये दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स. तो सिंपली अगर एक फिनॉल आपने लिया हुआ है और उसे एयर में एक्सपोज किया है तो इट विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ऐसे. अगर दो OH है तो ऑब्वियसली हो जाएगा, एक OH है तो भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. अगर रिसर्सिनॉल होता है OH एंड OH, सो अगेन इट कन्वर्ट इनटू, लेकिन ये अगर है ऐसी कंडीशन में तो इट विल कन्वर्ट लाइक डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कन्वर्ट होता है, ठीक है. सो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. बाकी सारे क्विनॉल्स में कन्वर्ट होते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखें कि वो क्विनॉन में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन ध्यान रखें. ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. नाउ द लास्ट वन इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डीऑक्सीजनेशन और रिडक्शन ऑफ फिनॉल. तो इस दिस इज आयनिक टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज. जिंक विल गिव टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडीशन, ऑक्सीजन विल कंबाइंड विद जिंक, सो जिंक ऑक्साइड विल फॉर्म एंड रिंग विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट रिड्यूस इटसेल्फ. So these are some reaction, very important reaction regarding reactions of phenols. So this is all about alcohols and phenols in this chapter. ठीक है, और we would have बहुत time है हमारे पास test के लिए, so I'm again revise the syllabus of the test. ये portion भी आएगा, 29th it is, so I think हम ये पोर्शन भी डेफिनेटली विल कम इन द एग्जामिनेशंस इन द टेस्ट. एंड लेट्स सी ईथर को ऐड करना है कि नहीं, बट एल्कोहल फिनॉल्स पूरा आएगा, रिमेंबर इट. थैंक यू फॉर टुडे.